झारखंड में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर फुटबॉल खेलते नजर आए। सरकार ने आदिवासी दिवस के मौके पर एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया था। इस मौके पर जमशेदपुर में संस्कृति स्पोर्ट्स एकेडमी ने फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था। इस खेल के आयोजन में विधायक संजीव सरदार के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी शिरकत की थी। गुप्ता ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में झारखंड में जल, जमीन और जंगल को धरोहर माना जाता है। गुप्ता ने फुटबॉल खेलने के दौरान गोल भी मारा। क्योंकि हमारे झारखंड के लोग वन संपदा से प्यार करते हैं, ना सिर्फ प्यार करते हैं बल्कि अपना जो है सब कुछ और सर्वस्व जो है जल, जंगल, जमीन पर ही आधारित है। हमारा धर्म, कर्म, संस्कृति, संस्कार सब कुछ इसी में निहित है, और यही जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को जो है समाप्त करने के लिए हम ये झारखंड के लोगों से ही सबको सीख लेनी होगी कि कैसे जल, जंगल, जमीन को बचाया जाता है, कैसे हम अपनी संपदा को बचाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड जो है ये एक ऐसा अग्रिम राज्य बनेगा जलवायु के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जिसको लेकर हम लोगों से सीख लेनी होगी सभी लोगों को। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। गुप्ता ने कहा कि आदिवासियों के उलगुलान से ही अंग्रेज भागे। उन्होंने कहा कि झारखंडी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी है। गुप्ता ने कहा कि पेड़ पौधे से भरे झारखंड में प्रकृति की पूजा की जाती है। ये झारखंड हमारी रत्न गर्वा धरती है, और न सिर्फ रत्न गर्वा धरती है बल्कि ये झारखंड की धरती, हमारी उलगुलान की धरती है, क्रांतिकारी क्रांति की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, झरना फूलों की धरती है, विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय निर्मल महतो और दिशम गुरु शिबू सोरेन की धरती है। और इस धरती ने हमेशा जो है वीरों और सूफी संतों को जन्म दिया है, और यही धरती ने अंग्रेजों के सबसे पहले पांव जो है उखाड़ने का काम किया था। और आप जानते हैं कि झारखंड नहीं देश का भी इतिहास है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस समय जो है बिश्नोई जाति के लोग, जो हमारे आदिवासी जाति के लोग हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उन्हीं लोगों ने इन लोगों को वन को काटने से रोकने का काम किया है। कोरोना के संकट से निपटने की जिम्मेदारी बन्ना गुप्ता के कंधे पर है। जितना आनंद गुप्ता जी ने फुटबॉल खेलने में लगाया है, उतनी ही ताकत वे कोरोना से निपटने में लगाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट।